टीवी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, टीवी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज खास खबर पर। भैया बाजार में मोटरसाइकिल सवार बेजा कार की चपेट में आया, इलाज के दौरान मौत, घर पर छाया मातम। बरदह आज़मगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्भ गांव निवासी प्रमोद सिंह 50 वर्षीय स्वर्गीय राम अरुण सिंह सोमवार के दिन करीब 2 बजे मोटरसाइकिल से भीरा बाजार अपने खाद की दुकान पर आ रहे थे, तभी जौनपुर से आजमगढ़ की तरफ तेज रफ्तार ब्रेजा कार आ रही थी, जिसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा बरदह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जौनपुर सदर के लिए रेफर किया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मच गया, गांव में मातम छा गया। मृतक प्रमोद सिंह का लाइसेंस खाद का गोदाम भीरा बाजार में था, जहां हर रोज आते जाते थे, सोमवार के दिन भी जा रहे थे, ब्रेजा कार की चपेट में आ गए और इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गाड़ी खेतमा बाजार में पकड़ी गई, ड्राइवर फरार है। मृतक की पत्नी, दो पति समेत पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। 6 भाइयों में सबसे बड़े थे, 3 लड़के हैं जिसमें 2 की शादी हो गई है और इस घटना से गांव में मातम छा गया है। जौनपुर में पोस्टमार्टम हो रहा है, जहां पर क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। घर पर सन्नाटा पसरा है। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।